लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था, इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स के बारे में जानेंगे। और हम डिटरमिनेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं फिजिक्स के पर्पज़ से, तो हम डिटरमिनेंट इसलिए पढ़ रहे हैं जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, तो हमारा एक टॉपिक आता है वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, इसलिए हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। अब डिटरमिनेंट को जानने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, हम मैट्रिक्स के बेसिक जानेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर ऑफ नंबर सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज इन अ रो एंड कॉलम्स। तो आप एक क्लासरूम मानो, एक क्लासरूम है जिसमें सीट्स कुछ इस तरह रखी हुई हैं, तो एक रो में चार सीट मान लेते हैं हम, और ऐसे तीन रोज हैं और उस एक सीट पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठता है। तो इसमें कितनी रो है? तीन रोज हैं और चार सीट हैं एक रोज में, तो कितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे? 12। तो इन्हीं को अगर हम रेक्टेंगुलर एरे या फिर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो हमारा रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैट्रिक्स को हम ये जो हम ब्रैकेट में बंद करते हैं या पैरेंथेसिस में, बात एक ही है, हम मैट्रिक्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो है A11, ये A1n क्या है? तो A11 है जो पहली रो में जो पहला स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो हम इसको A11 बोल देते हैं। पहली रो में जो दूसरा स्टूडेंट बैठा है उसको हम A12 बोल देते हैं, ऐसे ही A13, A14 और ये A12, ये A21 क्योंकि दूसरी रो में पहला स्टूडेंट, ये A22, ये A23 और A24, ऐसे ही तीसरी रो में पहला स्टूडेंट A31, A32, A33, A34। जो ये A11, AM1, ये सिर्फ ये जो टर्म्स हैं वो जनरल फॉर्म में, और जो मैंने रिप्रेजेंटेशन ये क्लासरूम का रिप्रेजेंटेशन किया वो इसका अगर हम ओपन करेंगे तो ये इसका मतलब है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको ब्रैकेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस मैट्रिक को जो हमने क्लासरूम की मैट्रिक्स लिखी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको A=AIJ भी लिख सकते हैं, जिसमें I जो है वो है रोज, नंबर ऑफ रोज, और J है वो है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रोज हैं वो तो ये हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और जो कॉलम है वो ये हैं, चार कॉलम हैं, तीन रो हैं। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ रोज होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, उसको हम लिख देते हैं कैसे, जैसे मान लो m जो है वो रोज हैं और n जो है कॉलम है, तो हम इसको m क्रॉस n लिखते हैं और इसको रीड करते हैं m/n। तो इसमें हम क्लासरूम की देखें तो इसमें कितनी, तीन रोज हैं, चार कॉलम है, तो हम इसे बोल देंगे कि 3/4 की हमारी मैट्रिक्स है, 3/4 की हमारी मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में है कि अ मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, m = n, तो m की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो a जो हमारी मैट्रिक्स है वो सिर्फ क्या होगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा a11, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मान लो कि m = n = 2 है, तो जो हमारी a मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 2/2 की है, तो a11 a12 a21 a22, ऐसे ही 3 ऑर्डर की भी हो सकती है जब m = n = 3 हो, तो a 3 ऑर्डर के लिए आपके यही सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं लिखने के लिए। तो ये हमारा मैट्रिक्स का पार्ट हो गया। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, हमारा टॉपिक अब डिटरमिनेंट पे हम वापस आते हैं। तो जो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्केलर वैल्यू है, जब हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो एक स्केलर आएगा। और स्केलर क्या होता है? स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हम स्केलर और वेक्टर के बारे में हम जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी सिर्फ ये जान लो कि ये सिर्फ एक नंबर होता है, उसे हम स्केलर बोलते हैं।
अब एक मैट्रिक्स कंसीडर करो जो 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, A11, A12, A13। तो A11 का मतलब क्या है, पहली रो में पहला कॉलम, यानी कि पहली रो में पहला स्टूडेंट बैठा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहली रो में पहला कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम, पहली रो में तीसरा कॉलम, ऐसे ही सिमिलर होगा। और ये जो लास्ट वाला होगा वो होगा तीसरी रो में तीसरा कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत होती है कि इसका जो ऑर्डर होता है उसमें रोज एंड कॉलम सेम होते हैं। तो 3x3 की है तो इसमें रोज एंड कॉलम सेम है। और हम डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट जो डिनोट किया जाता है वो हम सिंपल से डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, और सिंपल से ये मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं। तो अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, तो इस पैरेंथेसिस की जगह हम मॉड लगा देते हैं। अगर ये मॉड में बंद हो तो हमें इसका मतलब क्या होता है कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है। यदि अगर हमने कंसीडर करी होती 2x2 की, 2x2 की मैट्रिक्स कंसीडर करी होती, तो जो हमारी ए होता वो होता जो मॉड ऑफ ए होता वो होता A11, A12, A21, A22। ऐसे ही अगर हम 1x1 की कंसीडर करते तो जो हमारा ए होता वो सिर्फ क्या होता, A11। सिंपल सी बात है, जब ए सिर्फ A11 की, यानी कि एक रो एक कॉलम, तो वो कभी कब हो सकता है, जब सिर्फ एक एलिमेंट हो मैट्रिक्स में। और उस एक एलिमेंट का मैट्रिक्स में अगर हमें डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे मॉड के अंदर करते हैं। अब हम पता करेंगे कि भाई जब हमने डिफाइन किया कि डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट है स्केलर वैल्यू, तो वो स्केलर वैल्यू कुछ तो वैल्यू होगी, स्केलर वैल्यू, तो वो कुछ वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब पहले हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 1x1 की, अब हमें उसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम मैट्रिक्स 1x1 को कैसे लिखते हैं, A11। अब इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा A11। अब जो नेक्स्ट हम मानते हैं 2x2 की, जब 2x2 की मानेंगे तो 2x2 की जब हम ए जो मैट्रिक्स है हम उसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे A11, A12, A21, A22। अब हमें इसका निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका डिटरमिनेंट। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, A11 इसका मल्टीप्लाई A11 A22 माइनस इसका मल्टीप्लाई A21 A21 A12। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर की जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका ये डिटरमिनेंट होगा। अब है थर्ड ऑर्डर की, जब थर्ड ऑर्डर की होगी तो हमारा ए क्या होगा, ए होगा A11, A12, A13, A31, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब हमें इसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं A11। अब जब हमने A11 लिख दिया, जब हमने A11 लिख दिया, तो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ उस पोर्शन को हम लेते हैं, हम उस पोर्शन को छिपा लेते हैं। तो हमने A11 के रोज और A11 का जो कॉलम है उसको छिपाया, फिर उसके बाद जो उसकी मैट्रिक्स है, जो अब भाई हमने एक रो एक कॉलम छिपा लिया, तो सिर्फ 2x2 की बचेगी। तो 2x2 की क्या बचेगी, A22, A23, A32, A33। अब जो सेकंड है ऐसा ही हम सिमिलर करेंगे, तो हम लिख लेंगे माइनस A12। A12 करने के बाद हम जो A12 के नीचे A12 वाला जो रो है, A12 वाला जो रो है हम उसको छिपाएंगे, A12 वाला जो रो है हम उसको छिपाएंगे, और जो उसका कॉलम है हम उसको छिपाएंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने A12 लिख लिया, A12 लिखने के बाद हम A12 का रो भी छिपाएंगे, A12 का कॉलम भी छिपाएंगे, तो उसके बाद जो 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी वो बचेगी A21, A23, A21, A23, A31, A33 प्लस अब हमारा आ गया A13 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब A13 वाला जो है उसको हम क्या करेंगे, उसके पास की जो रो होगी हम उसको छिपाएंगे, A13 की लाइन में जो रो है हम उसको छिपाएंगे और जो कॉलम है हम उसको छिपाएंगे, और जो मैट्रिक्स बचेगी 2x2 हम उसको लिख देंगे। तो A21, A22, A31, A32। तो हमने क्या करा, पहला A1 है, A11 लिख दिया जैसा का जैसा, फिर उसके साथ जो रो है और उसके साथ जो कॉलम है उसको छिपाया, और जो मैट्रिक्स बची 2x2 की वो हमने लिख ली। अब फिर हमने क्या करा, A12 है वो माइनस के साथ लिखा, तो ये अल्टरनेट है, पहला प्लस है फिर जो दूसरा है वो माइनस है फिर प्लस है, तो हमने A12 है वो माइनस के साथ लिखा, फिर A12 के साथ जो रो है उसको छिपाया, A12 के साथ जो कॉलम है उसको छिपाया, फिर उस जो मैट्रिक्स बची 2x2 की वो हमने लिख दी। अब फिर क्या करा, A13 प्लस के साथ लिखा, A13 को लिखने के बाद हमने जो मैट्रिक्स A13 के रो को छिपाया, A13 के कॉलम को छिपाया, और जो मैट्रिक्स 2x2 की बची हमने वो लिख दिया। मैट्रिक्स 2x2 लिखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 2x2 का हमने अभी निकाला, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A11 मल्टीप्लाई में A22 A33 माइनस के A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस में A13 A21 A32 माइनस A22 A31। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये जब हम 3x3 मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा।